हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि साइज ऑफ ए सेफ्टी टैंक। अगर आपको सेफ्टी टैंक बनाना है तो उसका लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा और डेप्थ कितना रखेंगे। यही इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लेंथ कितना फुट रखें या कितना मीटर रखें, विड्थ इसका चौड़ाई कितना फुट रखें कितना मीटर रखें और इसका जो डेप्थ होगा वो कितना रखें। इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप घर बनाते हैं तो मेन आपका टारगेट क्या रहता है कि कॉस्ट को कैसे कम करें, यानी कॉस्ट पे कैसे कंट्रोल करें कि हमारा कम लागत में अच्छा घर बन सकता है। तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो भी काम करा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पास नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या करते हैं, जो सामने वालों बोल देगा वही आप वैसा करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो अगर मान लिया जाए इसका बड़ा साइज आपको बनाना है छोटा और बड़ा बना देंगे तो क्या होगा, आपका लागत तो ज्यादा लग जाएगा, यानी कॉस्ट यहाँ सेविंग कर सकते हैं। कैसे, जब जानेंगे कि लेंथ और विड्थ और डेप्थ कितना होगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, सिविल साइट नॉलेज के माध्यम से मैं आप तक नॉलेज पहुंचाता हूँ, ओनली सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए कि आपको वीडियो लगा कैसा। चलिए, इसको डिजाइन करने से पहले ये किस पे डिपेंड होता है ये आप जानिए पहले, कि ऐसे ही इसका डिजाइन नहीं किया जा सकता है सेफ्टी टैंक का साइज, है ना। तो आपको पहला पॉइंट होना चाहिए कि डिपेंड किस पे करता है, आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ ए पर्सन, कितने पर्सन के लिए आप सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, पहला पॉइंट आप रखिए। कितने पर्सन के लिए आपको क्या करना है कि ये सेफ्टी टैंक आपको बनाना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसका डेप्थ कितना रख सकते हैं, यानी कि डेप्थ गहराई कितना, मिनिमम गहराई कितना रख सकते हैं, तब तो करेंगे। विड्थ कितना रख सकते हैं, तो विड्थ रख सकते हैं 750 mm यानी कि 2.5 feet मिनिमम रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते हैं। डेप्थ में मैं बात कर दूं 1 meter से लेकर के, यानी 3 feet से लेकर के 4 feet 1.2 meter तक रख सकते हैं। तो ये किससे, इनलेट, अगर मान लें आप घर बना रहे हैं, ये बाथरूम है, बाथरूम का जो वेस्ट वाटर आता है वो सेफ्टी टैंक में मान लीजिए ऐसे आता है, ठीक है, ये सेफ्टी टैंक बना लिए तो ये इनलेट यहां से आता है। इनलेट के नीचे जो भी डेप्थ होगा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना होना चाहिए 1.3 meter यानी कि 1 meter से लेकर 3 meter तक, ठीक है। तो आपको ये अब लेंथ कितना, तीसरा पॉइंट, अब लेंथ की मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट, लेंथ कितना होना चाहिए 2 से लेकर 4 times ऑफ विड्थ, विड्थ जितना रखेंगे लेंथ इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इसका लेंथ विड्थ, इसमें से कोई तो आपको जानकारी होना चाहिए, तो मिनिमम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पर्सन के अनुसार बढ़ सकता है घट सकता है, तो ये कितने पर्सन के लिए होना चाहिए, तो यानी एल इंटू बी इंटू डी, ये जानना बहुत जरूरी। ये तो मैं तो मिनिमम बता दिया, इस साइज का बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके कितने पर्सन के लिए बना रहे हैं ये आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से आप कितने भी पर्सन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि 1 person एक दिन में पर डे वेस्ट वाटर यानी कि बाथरूम के लिए, बाथ और टॉयलेट के लिए वाटर कितना यूज करते हैं पर पर्सन, यानी 85 liter से लेके 100 liter
पर डे यूज किया जाता है, पर पर्सन यानी पर पर्सन। तो 5 पर्सन के मैं आपको डिजाइन करके बता रहा हूँ 5 पर्सन के लिए, कि अगर आपको सेफ्टी टैंक सिर्फ 5 पर्सन के लिए बनाना है तो कितना होगा, तो 5 × 100 यानी 500 लीटर। समझ में आ रहा है? आप वीडियो स्किप कीजिए और देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो 500 लीटर। तो अब आपको क्या करना है कि अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको ये भी माइंड में रखना है, जब सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो ये क्लीनिंग करना, इसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मैं मान के चलता हूं 2 से लेकर 3 ईयर तक आप इसके बाद 3 साल बाद आप मेंटेन करेंगे, इसको क्लीनिंग कराएंगे। तो अगर ये अगर 3 साल बाद कराते हैं तो अगर एक आदमी पर पर्सन यानी एक आदमी अगर यूज करता है तो उसका जो स्लैज जो मटेरियल होता है ये सेटल हो जाता है सेफ्टी टैंक में, तो कितना, 1 साल में 30 लीटर पर ईयर, 1 साल में। तो 5 पर्सन के लिए कितना हो जाएगा, यानी 30 × 5 यानी 150 लीटर, यानी कितना, 450 लीटर। मैं अप्रोक्स मान के चलता हूं आपको कितना हो जाएगा, आपको अप्रोक्स 500 लीटर यानी 500 लीटर। तो टोटल कितना लीटर हुआ आप ये भी ध्यान दीजिए, तो टोटल आपका हो जाएगा 500, ये जो कि आपको बाथरूम लैट्रिन से यूज करना है, जो सेटल होगा पर ईयर 30 लीटर, तो मैं उसको 500 यानी कि 1000 लीटर के लिए कैपेसिटी के लिए आपको बनाना है, ठीक है। सेफ्टी टैंक किसके लिए बनाना है, आप कैपेसिटी आप जान गए कि जो सेफ्टी टैंक बनाएंगे जो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 यानी कि उसका कैपेसिटी जो होगा कितने का होगा, 1000 लीटर का होगा। तो मैं ये भी बता दूं कि 1 क्यूबिक मीटर अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर डेप्थ के बनाते हैं साइज का, तो ये इसका कैपेसिटी होता है 1000 लीटर। चलिए, तो आप ये जान गए इस साइज पे कैसे अब लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ कैलकुलेशन करेंगे, आप ये देख लीजिए, ओके। तो आप इसके अनुसार कर सकते हैं। चलिए, आप ये देखिए वीडियो आराम से देखिए, मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आप सबके लिए नॉलेज के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, बनाता हूँ। तो मान लिया जाए, देखिए अभी मैं 5 पर्सन के लिए बताया था, लेकिन एट लीस्ट अगर आप जब बनाते हैं तो आप कम से कम 10 पर्सन के लिए बनाइए। इन फ्यूचर में आप जब भी सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो 10 पर्सन के लिए बनाइए। तो 10 पर्सन के लिए बनाइएगा तो 2000 लीटर हो जाएगा, यानी कि आप कितने कैपेसिटी के बनाए, 2 क्यूबिक मीटर। अभी 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है कैपेसिटी क्या, तो यानी 2 क्यूबिक का बनाना है। चलिए, अब मैं आपको डेप्थ, इसमें कोई एक मानना पड़ेगा कि आपको कितना है। मैं बताया डेप्थ कितना रख सकते हैं टंकी का, तो 1 मीटर से लेकर 1.3 मीटर मिनिमम ये होना चाहिए, इतना इसके बीच में डेप्थ। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, कैपेसिटी के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम इसे आप कम ज्यादा कम नहीं रख सकते, ज्यादा तो रख सकते हैं कैसे, 10% के लिए हो सकता है 100% का डिजाइन करना हो, है ना, तो उसका साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको ये मैं बता दूं, तो अब मान लिया जाए कि ये क्या हो, वॉल्यूम हो गया, तो अब इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालने के लिए अब बात, ये वॉल्यूम है 2 क्यूबिक मीटर, अब मैं मान के चलता हूँ 1.2, यानी कि 1200 mm हमको डेप्थ प्रोवाइड करना है इसके 1.2, तो डिवाइड कर दिए तो 1.2 तो कीजिएगा तो 1.66 स्क्वायर मीटर आएगा। अब एरिया कैसे होता है आपका, L × B तो एरिया है इक्वल टू ये आ गया 1.66। तो अब मैं आपको ये भी बताया हूं कि B जो होता है, L जो होता है 2.5 times, यानी कि 2 से लेकर 4 तक मैं बताया हूं टाइम्स, तो मैं मान के चलता हूं 2.5 times, तो यानी 2.5 times B L इक्वल टू हो जाएगा। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए 2.5 × B × B इक्वल टू यही 2.5 times हो गया, L हो गया, ये B हो गया 1.66, तो ये 2.5 B² इक्वल टू 1.66। अब देखिए B इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1.66 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 2.5, ये कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका सॉल्व कीजिएगा, तो ये आएगा B इक्वल टू
0.812 मीटर, यानी अप्रॉक्स मान लीजिए ये आपका यानी 800 mm, mm बताना या 0.8 मीटर, ठीक है। अब आपको विड्थ मालूम चल गया, यानी कि जो चौड़ाई जो होगा ये कितना 800 होगा, 800 mm। तो लेंथ भी आपको मालूम चलना चाहिए, तो लेंथ कितना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ 0.8, यानी 2 मीटर आपको लेंथ हो गया, ये 2 मीटर लेंथ हो गया, ठीक है। अब इसका डेप्थ कितना आपको बनाना है, ध्यान दीजिए, तो डेप्थ ये कर दीजिए, अभी मैंने 1.2 साइज का बना दिया, 1.2 मीटर का डेप्थ अभी। तो ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा, L इंटू बी इंटू एच आपका यानी कि 0.8 इंटू 2.5 इंटू 2 इक्वल टू 2 क्यूबिक मीटर, थोड़ा कम आएगा क्योंकि 800 जो 12 एमएम हो रहा था मैं इसको 0.8 रख लिया, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग, आइडिया मेथड सब सेम है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेफ्टी टैंक का डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं कि जब भी आप सेफ्टी टैंक बनाएंगे तो डेप्थ इनलेट से जो इनलेट होगा वेस्ट वाटर आएगा उससे डेप्थ कैलकुलेशन कीजिएगा, और जो सेफ्टी टैंक का टॉप जो होगा, मान लीजिए इनलेट आ रहा है, ठीक है, तो टॉप जो होगा जो ग्राउंड लेवल होगा उससे आप 300 ऊपर रखिएगा, यानी कि 300 यानी एक फुट, ये मान लीजिए ये एनजीएल है, एनजीएल यानी जो आपके एवरेज ग्राउंड लेवल उस एरिया का होगा उससे ऊपर, ताकि रेन वाटर इस टैंकी में न जाए, तो आपको ये ऊपर रखना होगा जो एनजीएल होगा जो आपका, यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।